मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजू को तो नहीं सिखाया, क्यों मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है। राजू से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना, काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? सुना तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर वा, थोड़े वा, वा, बड़े होते। अरे यार तुम सुन लो ना गान यार कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड़ से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे रोया थोड़ी जाता है, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बांझों से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना ईजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदीरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे टूटा छूट जाता है। अरे क्या बात है यार, गाइस 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 ग